ऐसा समझो कि चैट जीपीटी पैसा प्रिंट करने की एक मशीन बन गई है। अगर आज आप इस स्ट्रेटेजी को समझ जाते हो तो आप महीने की $3,000 से $4,000 आराम से कमा सकते हो। और मैंने इस पर सिर्फ 15 से 20 दिन काम किया है और यहाँ पर आप लोग मेरी अर्निंग देख सकते हो कितना हुआ है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ जिनको फेक लग रहा हो। अगर तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस स्ट्रेटजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली है, तो आप फील फ्री अब पूरा एंड तक देखो। स्टेप वन, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट बनाना होगा जो कि हम ब्लॉगर पे बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, फ्री में ब्लॉगर पे वेबसाइट बन जाएगा और बस चुटकियों में बन जाएगा। कोई ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगने वाला है यहाँ पर। सब कुछ यहाँ पर कॉपी पेस्ट का वर्क होगा, तो आप लोग बस देखते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ब्लॉगर सर्च करेंगे गूगल पे आकर। आप इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन में नहीं कर सकते हो, आप फ़ोन में भी कर सकते हो। अब मैं आपको स्क्रीन बड़ा दिखाने के लिए मैं इसलिए यहाँ पर आपको पीसी में करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको मोबाइल में ही करके दिखा देता। सबसे पहले आपको आपको ब्लॉगर सर्च कर देना है, ठीक है। ब्लॉगर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये गूगल का ही है ब्लॉगर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्रिएट योर ब्लॉग पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्रिएट योर ब्लॉग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट से लिंक हो जाना है, ठीक है। किसी भी अकाउंट से यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। चलिए फटाफट से मैं कर लेता हूँ। जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आपको नॉट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है, मतलब जो भी आप रखना चाहते हो वेबसाइट का नाम उसको यहाँ पर आपको एक रख देना है, ठीक है। तो फटाफट से आप यहाँ पर मैं रख देता हूँ कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे दबाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपका यूजर नेम रहेगा जो वेबसाइट का वो वहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पर करना है। उसके बाद आपको जो नेम जो डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे उसको रखना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है। और बस यहाँ पर आपका वेबसाइट बन चुका है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऐसे कस्टमाइज करना रहेगा, उसके बाद आपका जो वेबसाइट है एकदम परफेक्ट लगेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो आपका वेबसाइट किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप लोगो वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कस्टमाइज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज करने के लिए भी बस हम कॉपी पेस्ट वर्क का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर आपको थीम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे आपको गूगल की तरफ से, जो आपको जो पसंद आएगा उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है। उसके बाद व्यू ब्लॉग पे हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन के आ रहा है मेरा वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको अभी पोस्ट वगैरह नहीं डाला गया इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा है कोई पोस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोस्ट कैसे डालेंगे, देखिए अब वेबसाइट बहुत आसान था, बन गया वेबसाइट। अब उसके बाद करना क्या है यहाँ पे, आपको आप चाहो तो यहाँ पर अगर लोगो वगैरह भी लगा सकते हो सेटिंग में जा करके। तो ये रहा हमारा वेबसाइट बन चुका है। अब हम जाएंगे इस पर पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट कैसे लिखना है यहाँ पर आपको देखिए न्यू पोस्ट का यहाँ पर एक सेक्शन दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो पोस्ट का यहाँ पर टाइटल आपको लिखना है, उसके बाद पोस्ट लिखना है। अब यहाँ पर हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। चैट जीपीटी यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, तब तो यहाँ पर आप चैट जीपीटी को जो भी कहोगे वो आर्टिकल लिख के देगा। आप कैसे कहना कैसे है कि आर्टिकल कैसे लिखवाना है वो मैं आपको आप देख लीजिए जिस भी टॉपिक पे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आप किस चीज़ पे लिखवाना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक कैटेगरी चूज करना होगा, ठीक है। आप कैटेगरी चूज करने के बाद आप उसी पे आप पोस्ट लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा। पर मैं यहाँ पर आपको क्या करके दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हो, मतलब बहुत जल्दी चाहते हो, अगर आपके ज़्यादा लोग उस पर विजिट करें आपके वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड। इसमें क्या होता है, जो लोग रियल टाइम में जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उसका डेटा यहाँ पर दिखाता है। तो जो चीज़ सर्च करेंगे उसी पे हम ब्लॉग लिखेंगे कि हमारा ब्लॉग रैंक करे जल्दी। यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रियल टाइम सर्च ट्रेंड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर सर्च करा जा रहा है अभी गूगल पर, देखिए। तो अब हम इन्हीं चीज़ों पर आप लिख सकते हो, पर अगर आप कोई और भी चीज़ करना चाहते हो तो उस पर भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप इन पे करोगे तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको ऑडियंस यानी कि सर्चेस आएंगी और आपका वेबसाइट रैंक करेगा जल्दी जल्दी। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई और भी टिप्स वगैरह देना तो आप वो भी उस पर आप लिखवा सकते हो, जैसे कि। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी से अपना एक आर्टिकल लिखवाते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखवाने के लिए जिस भी चीज़ पर आपको लिखवाना रहेगा आप उसको सोच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे राइट माई नेक्स्ट ब्लॉग स्क्रिप्ट। इतना लिखने के बाद लिखना है आपको जो जिस चीज़ पे लिखवाना है, जैसे कि मैं इस पे लिखवाना चाहता हूँ आर्टिकल अपना। उसके बाद ऐसे इसको एंटर कर देंगे, अब चैट जीपीटी पूरा रिसर्च करके सब कुछ लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमको यहाँ से
कॉपी करना है, उसके बाद अपने ब्लॉग पोस्ट पे पोस्ट पेस्ट कर देना है। सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट का सब कुछ करना, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये लिख देगा, अभी मैं आप जब तक ये लिख रहा है मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आपके थोड़ा आसानी हो आपको करने में। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है ये 500 से 600 वर्ड तक रहेगा तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर रैंक नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर हमको कम से कम 500 से 600 वर्ड तक, हम उससे ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। अब वर्ड जो यहाँ पर देखिए कितने वर्ड का लिखा हुआ है उसको आपको चेक करने के लिए हम एक वेबसाइट है, मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहले इसको हम लिख लेने देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चैट जीपीटी लिख चुका है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने वर्ड्स का ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन से यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पर देखिए हमको टाइटल भी दे दिया, ठीक है, हम टाइटल क्या रखेंगे। तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखिए जितना ये लिखा है इसको कॉपी करके एक वेबसाइट है वर्ड काउंटर, ठीक है, इस पे चल जाएंगे हम और यहाँ पे हम गिन पाएंगे कि कितने वर्ड्स ये लिखा हुआ है। कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको अपना पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए 464 वर्ड का लिखा है, मतलब अभी इसको और कहेंगे लिखने के लिए, ठीक है, बहुत कम लिखा है। तो इससे हम लिखेंगे यहाँ पर इसको बस सिंपली से, अभी देखिए और भी कुछ लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है टॉप, यहाँ पर देखिए टॉप 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर हम जितना और लिखेगा उस हिसाब से और कर देंगे। यहाँ पर अगर ये 5 और लिखता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे टॉप 15 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। हमें बस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको वर्ड्स यहाँ पर करना है ताकि हमारा ब्लॉग पोस्ट रैंक करे। अब गूगल में एक जो मैं आपको बताता हूँ फैक्ट क्या है कि जितने ज़्यादा आपके वर्ड्स का जो ब्लॉग पोस्ट रहेगा उतने ज़्यादा अच्छे से रैंक करता है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना बड़ा बनाना, ठीक है, 600 700 800 तक चल जाए तो आप उसको कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे और भी यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, तो इनको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको भी जा करके हम पेस्ट करेंगे ताकि हम देखेंगे कि कितना भी हो चुका है। अब देखिए 702 वर्ड्स का हो चुका है, तो मतलब अभी इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ पर शुरू से लेके यहाँ पर जो टाइटल दिया है ना टॉप 10 मोस्ट डेंजरस, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए टाइटल में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा टाइटल लिख चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना पोस्ट यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम इंट्रोडक्शन से कॉपी करेंगे और यहाँ तक पूरा इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम आपको सीधे पेस्ट नहीं करना है यहाँ पे आपको सीधे पेस्ट नहीं कर देना है। आपको थोड़ा सा नोट्स में आपको जो आपके फ़ोन में नोट्स होगा, यहाँ पे आप पीसी यूज कर रहे होगे तो एक नोट्स का होगा उसमें आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद पूरा कॉपी करना है, उसके बाद तब जाके वहाँ पे करना है, नहीं तो वहाँ पे वो सही से होगा नहीं। वर्ड्स जो हैं वो फिर से यहाँ पर आपको पेस्ट सीधे कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो पूरा लिख हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है इसको हम थोड़ा सही से कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छा से दिखे। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, जो जो हेडलाइंस है यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, ठीक है, जैसे कि मॉस्किटो इसको कर देंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम अच्छा बना देंगे। जो फालतू के जो टेक्स्ट थे यहाँ पे देखिए यहाँ पर श्योर हियर इज ए फ्यू मोर पॉइंट्स, तो ये सब हम यहाँ से हटा देंगे। जो जो मेन चीज़ है उसको बस हम रखेंगे और बस यहाँ पर हम चाहे तो इमेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मॉस्किटो पे यहाँ पर बताया है तो यहाँ पर हम मॉस्किटो का भी इमेज लगा सकते हैं। सिंपली से आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल पे मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो सर्च करोगे इमेजेस पे जाओगे तो मॉस्किटो का इमेज यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी एक इमेज को यहाँ पर हमको डाउनलोड कर लेना है। आप चाहो तो इमेजेस लगा सकते हो, लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल लगेगा, नहीं लगाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा यहाँ पर हम अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब अगर आप फ़ोन में यूज कर रहे हो तो यहाँ से हम देखिए इमेजेस पे इस पर क्लिक करोगे तो फोटोज में जा करके गैलरी में आपको चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इमेजेस भी लग गए, यहाँ पर टाइटल भी हमारा हो चुका, इमेजेस भी लग गए। और भी अगर आप चाहो तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, उससे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस हो चुका आपका पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे आप करके देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो पोस्ट है वो बना है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसको मैं। अब देखिए हमारा जो वेबसाइट था वो बन चुका है और इस तरीके से देखिए
पोस्ट हमारा लिख के आ चुका है, ठीक है। फ़ोन में कैसे दिखेगा, इस तरीके से हमारा जो पोस्ट है वो फ़ोन में दिखेगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए पोस्ट लिख लिया। अब यहाँ पर आपको दिन के 4-5 पोस्ट ऐसे ही लिख देना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं रहता है। यहाँ पर फिर से न्यू पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो फिर से इस तरीके से आ जाएगा, और फिर से आप चैट जीपीटी से वहाँ पर लिखवा सकते हो और फिर से यहाँ पर ये लिख देगा और फिर से आप यहाँ पर इसको पब्लिश कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप रोज़ के ऐसे पोस्ट लिखवाते जाना है। अभी यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और काम बाकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गूगल के पास भेजेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर तो ठीक है वेबसाइट पर आ गया, लेकिन अभी कोई भी सर्च करेगा कि अगर गूगल पर द टॉप 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से कोई सर्च करेगा तो हमारा यहाँ पर ये ब्लॉग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गूगल के पास सेंड करेंगे ताकि अगर कोई सर्च करे तो हमारा भी उसमें आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। ये सभी को करना रहता है, जितने भी लोग वेबसाइट वगैरह पे बनाते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट नाउ पे करना है, इस पर क्लिक। अब यहाँ पर जो आपका जो वेबसाइट का जो नाम था उसको यहाँ पर डाल सकते हो या फिर उसका URL डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका URL ही डाल देते हैं। तो देखिए ये हमारे वेबसाइट का URL है, इसको यहाँ पर हम डाल देंगे। इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और भाई यहाँ पर देखिए चेकिंग वेरिफिकेशन करेगा और ऑनरशिप ऑटो वेरीफाई, ठीक है, डन यहाँ पर करना है। उसके बाद फिर से वही डालना है और फिर से गो टू प्रॉपर्टी पर करना है क्लिक। देखिए स्टार्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, गॉट इट। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना साइट मैप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, साइट मैप पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, साइट मैप पे क्लिक करोगे, साइट मैप पे यहाँ पर आपको लिख देना है साइट मैप .xml, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। अगर नहीं आता तो आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने एक आर्टिकल लिख रखा है, तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल यहाँ पर गूगल के पास चला जा चुका है, ठीक है। अब जो हमने आर्टिकल लिख रखा है, यहाँ पर URL इन्फेक्शन पे जाएंगे और हमने जो आर्टिकल लिखा है उसको यहाँ पर पेस्ट करके गूगल के पास सेंड करेंगे। अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारा जो ये वाला गूगल का जो हमने लिखा है अभी पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है अपने पोस्ट पर, और ये रहा आपके पोस्ट का ये लिंक। इस लिंक को आपको कॉपी करना है और गूगल के पास यहाँ पे ये रहा URL, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। अब देखिए URL इज नॉट ऑन गूगल, मतलब अभी ये गूगल पे नहीं है। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे और बस यहाँ पर 1-2 मिनट लेगा और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद इंडेक्स कर देगा। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, यहाँ पर मतलब गूगल को रिक्वेस्ट चला गया, गॉट इट कर देना है। अब ये 10-15 मिनट के अंदर वो कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आपको फिर से अपना पोस्ट, दूसरा पोस्ट लिखना है। अब जितने पोस्ट लिखोगे उतना ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगा, जितना ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा आपका अर्निंग होगा। अभी इसको मोनेटाइज कैसे करना है, ठीक है। मोनेटाइज करने के लिए आपको तुरंत से मोनेटाइज नहीं होता ये, सबसे पहले तो आपको देखिए ये हमारा वेबसाइट है, मोनेटाइज कैसे करना रहेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जो अर्निंग वाला सेक्शन दिख रहा है ना, ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्रिएट एडसेंस अकाउंट का आएगा, ठीक है। तो ये आप जैसे क्लिक, अभी तो आप क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर अपना एडसेंस अकाउंट यहाँ पर बनाना रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप एडसेंस अकाउंट बना दोगे, उसके बाद वहाँ पर आपका अर्निंग आने लगेगा, लिखोगे उसके बाद अपना बनाना, ठीक है। अभी मत अप्लाई करना, अभी कम से कम 10-15 दिन मत करना, 10-15 दिन के बाद आप उसके बाद लिखना, उसके बाद अप्लाई करना इसके लिए, तब आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद उसमें अर्निंग भी आने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो।